नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काबुल में। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा स्मॉल केस जो आपको यहाँ से शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि मार्केट में किस तरीके की वॉलिडिटी है, तो अपने फंड्स को सेफ रखना, सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्ट करना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में स्मॉल केस हमारी पूरी तरीके से हेल्प करता है। और आप देख सकते हैं, इससे पहले भी मैंने कई बार अपने क्लाइंट्स के साथ स्मॉल केस शेयर किए हैं और फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने जो पहला स्मॉल केस शेयर किया था अपने क्लाइंट्स के साथ वो था 29 नवंबर को, जो अब तक 58% का रिटर्न दे चुका है। उसके बाद मैंने कायोबुल एवरग्रीन करके शेयर किया था स्मॉल केस, जो आप देख सकते हैं मैंने 3 जनवरी को बनाया था, वहाँ पे आप 34% का रिटर्न देख सकते हैं। उसके बाद मैंने तीसरा स्मॉल केस शेयर किया था अपने क्लाइंट्स के साथ, वो आप देख सकते हो कायोबुल शॉर्ट टर्म सुपर 5 करके, जिसको मैंने 5 जनवरी को डिज़ाइन किया था और जिसमें अभी तक 28.45% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद चौथा स्मॉल केस आप देख सकते हो 1 जनवरी को ही बनाया था, जिसमें मिड कैप स्टॉक्स की बास्केट थी कायोबुल मिड कैप करके, जिसमें अभी तक आपको 14% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। आज मैं आपके लिए कई सारे सेक्टर्स की एक बास्केट लेके आया हूँ स्टॉक्स की। तो आप देख सकते हो उसका नाम है कायोबुल शॉर्ट टर्म फ्लैक्सी कैप करके, जिसको मैंने आज ही डिज़ाइन किया है। इसमें कई सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं जो कि आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देंगे जिस समय मार्केट अपने हाइस पे है। अब देख लेते हैं किस तरीके के स्टॉक्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इन स्टॉक्स के बारे में बाद में चर्चा करूँगा कि क्यों इन स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं वो स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला स्टॉक है आयल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का, दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, तीसरा है एस्कॉर्ट लिमिटेड का, चौथा है अमराजा बैटरीज का, पाँचवा है हैवेल्स इंडिया का। अब देख लेते हैं मैंने यहाँ पे किसको कितनी वेटेज दी है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज दी है वो मैंने दी है अमराजा बैटरीज को 27% की, उसके बाद हैवेल्स इंडिया को 24% की, उसके बाद 22% की आयल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को, उसके बाद 14% की एस्कॉर्ट लिमिटेड को और 12% की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 8285 रुपये का। सो 8285 रुपये के साथ आप इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन स्टॉक्स के बारे में कि क्यों इन स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे चूज़ किया था, इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो आप देख सकते हैं जो पहला स्टॉक मैंने चूज़ किया था वो था आयल केमिकल्स का, उसके पीछे का रीज़न ये था कि ये आइब्रूफिन की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है और आगे आने वाले टाइम पे इस केमिकल की हमें काफ़ी डिमांड देखने को मिलने वाली है। तो कोविड चाहे ख़त्म भी हो जाए तो भी इस केमिकल की हमेशा डिमांड रहेगी, यही रीज़न था इस स्टॉक को मैंने यहाँ पर पिक किया है। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, अपने लोअर लेवल पर ट्रेड कर रहा है, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, काफ़ी अच्छा सेटअप है, डेली बेसिस पर काफ़ी अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, यही वजह थी कि इस स्टॉक को मैंने यहाँ पे पिक किया है। तीसरा स्टॉक है एस्कॉर्ट लिमिटेड का, इस स्टॉक को चूज़ करने का रीज़न ये है कि हम लगातार देख रहे हैं हमें ऑटो सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन ये एक स्टॉक है जो अभी भी अपने लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है और डेली बेसिस पे काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिलती है, यही रीज़न है कि स्टॉक को मैंने यहाँ पे पिक किया है। चौथा स्टॉक है अमराजा बैटरीज का, तो हमने यहाँ पे देखा था जब इनके एक प्रमोटर ने यहाँ पे एग्जिट किया था तो काफ़ी करेक्शन स्टॉक में हमें देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरीके की तेज़ी हम ऑटो सेक्टर में देख रहे हैं तो ऑटो एंसिलरी के स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और डेली बेसिस पर हमें काफ़ी अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, यही वजह है कि स्टॉक को मैंने यहाँ पर चूज़ किया है। पाँचवा स्टॉक है हैवेल्स इंडिया का, इसको चूज़ करने के पीछे रीज़न ये था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के नतीजे खराब रहे थे, जिस वजह से स्टॉक में करेक्शन आई थी और मार्केट में जिस तरीके से गिरावट आई है तो ये स्टॉक और ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन डेली बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है तो इस वजह से मैंने स्टॉक को यहाँ पे पिक किया है। तो यही सारी वजह थी इन स्टॉक्स को यहाँ पे शामिल करने की इस स्मॉल केस में। डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट करके चलना चाहिए और इस स्मॉल केस से रिलेटेड लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।